अगर आप मेरी तरह आलसी हैं कंजूस हैं और आपको भूख लगी है तो आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे कि कैसे घर पर अकेले एग करी बनाई जाए और पैसे बचाए जाए भर पेट खाया जाए तो एग करी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कढ़ाई, जिसको गैस ऑन करके गैस पर रखना पड़ता है ऑब्वियसली एग करी के लगेगा अंडा प्याज चाहिए तड़के के लिए तड़के में जाएगा तेज पत्ता जो सूखा सा पत्ता है एक बड़े जार में थोड़ा सा जीरा जो बचा हुआ जीरा है वेलकम टू बैचलर्स लाइफ एंड ऑब्वियसली आप पहचानते होंगे लाल मिर्च को मसाले को पीस लेने से मसाला इजी हो जाता है और पूरा माहौल सेट हो चुका है एग करी बनाने का सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल ध्यान रखिए तेल जितना कम होगा आपकी दूरी डॉक्टर से उतनी ज़्यादा होगी पिसे हुए मसाले में आप डालें हल्दी नमक थोड़ा सा ज़िंदगी में नमक का होना बहुत ज़रूरी है पिसा हुआ घर का मसाला क्योंकि हम लोग किसी भी कमर्शियल मसाले को नहीं करते हैं एडवर्टाइज़ सबसे पहले डालेंगे बचा हुआ जीरा इससे पहले कि जीरा जल जाए हम डाल देंगे तेज़ पत्ते और लाल मिर्च को जो कि सूखा हुआ है अब जाएगा इसमें प्याज और ये लोग नारंगी होने तक इसमें पकेंगे जब तक ये लोग नारंगी होंगे उसके बाद हमें ये ध्यान रखना होगा कि सही समय पर हमें डाल देना है इसमें ये मिक्सर का पिसा हुआ मसाला जो कि हमारा टाइम बचाता है और आलस में हमारे हमें हेल्प करता है सब्जी में हमेशा गर्म पानी डालें रोटी बनाना हम लोग लो अवॉइड करेंगे बिकॉज़ हम लोग आलसी हैं तो हम लोग चावल के साथ जाएंगे एक आदमी के लिए आधी कटोरी ए टू बी की चावल काफ़ी है एक्चुअली वो ए टू बी का बचा हुआ सामर का डब्बा है देखिए पानी को मैंने फेंका नहीं थोड़ी सी कम आलसी हूँ मैं यहाँ हम लोग मसाले को भूनते जाएंगे मसाले को भूनना बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक वैसे जैसे आपको रिलेशनशिप में टाइम देना पड़ता है अगर आप मसाले को टाइम देंगे तो सब्जी आपको स्वाद देगा इसमें डालेंगे हम गर्म पानी अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से और यहाँ से अब हमें छनौटी की कोई ज़रूरत नहीं है मिडिल क्लास स्प्रिंट की तरह हमने इसमें मसालों को धुल करके के वापस से जार को डाल दिया पानी यहाँ इसको हम देंगे ढक और फिर हमें लगेंगे टोटल सात मिनट घर की सफाई में टाइमर मुझे मिल नहीं रहा है इसलिए मैंने सात मिनट आपको दिखा दिया है अलार्म लगा लिया है चावल बगल में बनना शुरू हो जाएगा तब तक हम पौधों में पानी डाल कर आएंगे जी हाँ ये राइस वाटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए सात मिनट के बीच में एक बार हमने खोल कर देखा सब कुछ अच्छा था तो हमने अपने तीन एग्स को डाल दिया आप चाहें तो दो एग्स भी खा सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादा भूखी हूँ तो मुझे तीन एग्स चाहिए फिर जाएगा इसमें हमारा प्रिय मित्र धनिया जिसके बाद इसकी खुश खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाता है दो मिनट के बाद एग करी को बंद कर देंगे चावल में डाल देंगे आप एक तेज़ पत्ता उससे वो ज़्यादा बेटर डाइजेस्ट होता है में से निकालिए एक सुंदर सा फैंसी डिनर प्लेट और उसमें डालिए खाना और यहाँ बन गई हमारी एग करी वेरी नाइस स्पेशली तो आप भी घर पे बनाइए एग करी और चावल और मेरी तरह इन्जॉय कीजिए